नमस्कार, मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। जानेंगे विस्तार से 14, 15 और आगामी दिनों का किस राज्य की क्या स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है। मेंडुस खतरनाक चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भीषण बारिश की है और कुछ सबसे ज़्यादा खतरा तमिलनाडु को झेलना पड़ा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, फिर से तूफान ने अपनी दिशा में परिवर्तन किया है और फिर से करवट बदली है और फिर से जो दक्षिणी भारत हैं, जो राज्य है दक्षिण भारत के, उनमें जिसमें मुख्यतः केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और इन राज्यों में मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश का साइन दर्शा दिया है। यानी कि चक्रवाती तूफान ने फिर से करवट बदली है और वापस रुख मोड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंचने की उम्मीद है, तो ये मध्य प्रदेश तक है। उससे आगे यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस खतरनाक चक्रवाती तूफान की पहुंच काफ़ी दूर रह गई है। वहां पर ना कोई गहरे काले बादल छाए हुए हैं और ना ही इसका कोई असर पहुंचा है। बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी भारत की, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है, क्योंकि पहाड़ों में भारी बर्फबारी के कारण इस समय शीतलहर का चलना भी शुरू हो गया है। करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी भारत में ये हवाएं चलती हुई देखने को मिलती हैं। वहीं दक्षिणी भारत में मंडूस खतरनाक चक्रवाती तूफान की वजह से गहरे काले बादल छाए हुए हैं। कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं पर मावठ का असर देखने को मिला है। और वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश का कहर बरसा है और जहाँ पर करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। यह है आपके सामने इंडिया मेट्रोल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग का 13 दिसंबर का ताज़ा अपडेट। 14 और 15 दिसंबर तक के ताज़ा अपडेट के बारे में जानेंगे। 13 दिसंबर की बात करते हैं, उत्तरी भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फॉग का येलो अलर्ट है। यानी कि इस क्षेत्र की बात, ये प्रभाव जो आपको देख रहा है, इस क्षेत्र में काफ़ी ठंड पड़ रही है, जिसमें राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड देखने को मिल रही है, कुछ क्षेत्रों पर तापमान शून्य भी जा चुका है। 13 दिसंबर की बात करते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि तूफान ने फिर से दिशा बदली है, अपनी करवट बदली है, तो ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में तूफान ने अपना जमावड़ा जमा लिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं, जो इस समय सबसे ज़्यादा खतरा जो मंडरा रहा है, केरल और कर्नाटक के इस क्षेत्र में भयंकर बारिश होगी। यदि आप इन राज्यों से हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं फिर से चलेंगी। वहीं कर्नाटक के अलावा हम बात करते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी बारिश फिर से बनेगी। अगले 48 घंटे यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई और गोवा क्षेत्र के आसपास, गोवा राज्य में भी अच्छी खासी बारिश का कहर बरसेगा। हालांकि कुछ क्षेत्र की बात करें जिसमें महाराष्ट्र के अलावा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अभी दो दिन बारिश का कहर जरूर रहेगा। हालांकि यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र में है, यानी कि मूसलाधार बारिश नहीं है, फिर भी गहरे काले बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 13 दिसंबर का ताज़ा आज का अपडेट है। इसके बाद हम 14 दिसंबर की बात करते हैं, तो 14 दिसंबर को उत्तरी भारत में तो वही फॉग है, यानी कि यहाँ पर ठंड बनी रहेगी। लेकिन बात करते हैं, ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है समुद्र के किनारे किनारे, यानी कि केरल है और मुंबई है, इसके अलावा गोवा है, महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र है, कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र है, अच्छी खासी बारिश यहाँ पर अगले 48 घंटे के लिए बनी रहेगी। इसके अलावा हम 15 दिसंबर का ताज़ा अपडेट देखते हैं, तो 15 दिसंबर को उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तरी भारत में तो लगातार भारी बारिश का कहर आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी भारत में 15 दिसंबर के ताज़ा अपडेट की यदि हम बात करते हैं, तो उत्तरी भारत में हमेशा ठंड का कहर बरसेगा, शीतलहर चलेंगी और अभी मावठ का कोई स्थिति उत्तरी भारत में नज़र नहीं आ रही है। जैसी स्थिति बनेगी हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और तूफान की बात करें तो दक्षिण भारत से भी 15 दिसंबर को तूफान का असर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर भी अधिकांश जिलों का मौसम साफ होते हुए नज़र आएगा। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, राइट इन्फॉर्मेशन, मौसम समाचार की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।